आज मैं इस डेफेनबेकिया डमकेन प्लांट के बारे में सब कुछ जानेंगे और साथ साथ हम इस प्लांट से कैसे बचे और इस प्लांट को विंटर में कैसे बचाएं और बहुत सारी बातें इसके बारे में जानेंगे। ये प्लांट कई वैरायटी में आता है, लेकिन सबकी वैरायटी लगभग एक जैसे ही देखने में होती है। सिर्फ ऊपर की जो पत्तियां हैं, इसके ऊपर का जो ये प्रिंट है, सिर्फ इसमें ही फर्क होता है और थोड़ा बहुत पत्तियों की साइज में फर्क होता है। और कुछ प्लांट गहरे कलर में होते हैं, कुछ लाइट शेड में होते हैं, इतना का ही फर्क होता है सारी वैरायटी में। इसकी पत्तियों से ही इस प्लांट की खूबसूरती है। इस प्लांट को हम आउटडोर प्लांट, सेमी शेड प्लांट, इनडोर प्लांट कह सकते हैं, लेकिन ये मेनली जो है सेमी शेड प्लांट कहलाता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा धूप नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है। टेम्परेचर इसे 35 से ऊपर ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बहुत ज़्यादा धूप लगने से भी ये प्लांट खराब हो जाता है, यानी कि लगभग हम अगर 35 और लगभग 15 टेम्परेचर के बीच में अगर इस प्लांट को हम रखें तो ये बिल्कुल सही आउटडोर में चलता है, और उसके बाद के टेम्परेचर में हमें इसे इनडोर रखना चाहिए, या फिर जहाँ पर इसे छन करके धूप मिले वहाँ रखें, तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है। इसे ना बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए इसे। ह्यूमिडिटी भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी वजह से इसे गर्मियों के मौसम में काफ़ी प्लांट के बीच में रखा जाता है, तो ये बहुत अच्छे से रहता है। इसकी ग्रोथ मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा चलता है। बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट नहीं है ये, मीडियम साइज के पॉट में ये बहुत अच्छा चलता है। इसे बहुत बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत छोटे पॉट में भी थोड़ा सही से नहीं चलता है। इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत इजी है। एक तरीका होता है कि यहाँ से हम कट करके लगा लेंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा, या साइड से जो ये सब निकलते हैं उससे एक नए पौधे बन जाते हैं, उससे भी नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस प्लांट का एक ड्रॉबैक है कि इसमें से जो एक लिक्विड निकलता है वो केमिकल होता है, जो कि हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। हमें उस लिक्विड से ही सिर्फ बचना होता है, इसलिए हमें इस प्लांट को, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं, तब हमें इस प्लांट को या तो ना लगाएं या फिर ऐसी जगह पर लगाएं जो उनके पहुंच से दूर हो। और खुद भी हम ध्यान रखें कि जब भी हम इस पे कोई काम कर रहे हों या पत्तियां हमसे टूट जाए, इसका लिक्विड जो है हमारे हाथ में लग जाए, तो हम अपने आँखों को ना छुए, अपने नाक को ना छुए, और अच्छे से हैंड वॉश कर लें, ताकि हमें इससे इसका जो केमिकल निकलता है वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जगह पे इसे रखना चाहिए, ताकि गलती से इसमें से निकलने वाला पदार्थ जो है वो हमारे लिए नुकसान ना पहुँचाए। अब हम जानते हैं कि विंटर में इस प्लांट को हम कैसे बचा कर रखें, क्योंकि बाकी वेदर में तो ये बहुत अच्छे से चलता है, विंटर इसके लिए सही नहीं होता है। विंटर में ये स्ट्रेस में आ जाता है प्लांट, इसकी पत्तियाँ थोड़ी गलने लगती हैं। तो इसका तरीका है कि आप इसे या तो शेड में रख दें, या फिर ये कर सकते हैं कि सुबह शाम इसके प्लेस को चेंज कर दें। विंटर में धूप में रखें दिन में, और रात में इसे शेड में रख दें। या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे शेड में ही सिर्फ रखें, तो फिर ये बहुत अच्छे से चलेगा। और विंटर में एक बात और ध्यान रखें कि इसे आप पानी बहुत ही कम डालें, बिल्कुल मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए उसके बाद ही डालें। जैसे विंटर स्टार्ट होता है इसकी कुड़ाई कर दें अच्छे से, कुड़ाई करने के बाद इसमें खाद डाल दें। ये काम हमें विंटर से पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि ये प्लांट अच्छे से चल सके विंटर में। इसके बाद इसे हमें इसे मल्चिंग कर देना चाहिए, जैसे हम समर में करते हैं उस तरह से इसे हमें विंटर में भी मल्चिंग कर देना चाहिए, जिससे इसके जड़ों का प्रोटेक्शन हो सके। इसके बाद अच्छे से एक बार खूब अच्छे से वाटरिंग कर दें, उसके बाद बहुत अच्छे से ड्राई जब हो जाए तभी पानी डालें, फिर ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। इस प्लांट को विंटर पसंद नहीं है, इस वजह से इस टाइम इसका ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाता है। सिर्फ ये प्लांट हरा भरा बना रहे वही बहुत बड़ी बात होती है, हमें सिर्फ यही काम करने के लिए ये सब करना पड़ता है।
जैसे ही वेदर इसका सूटेबल होगा, मौसम सही होगा, ये अपने ग्रोथ पे फिर से वापस आ जाता है। इस प्लांट को विंटर में सावरिंग करना भी बहुत पसंद है, और ओस से अगर हम इसे बचा ले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। बस हमें इसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इतना भी डेलिकेट नहीं है।